कल दिनांक 21/11/2023 को विश्व मत्स्य पालन दिवस मना लिया गया शुद्ध हिंदुस्तान मय। पर बुरी किस्मत ये है कि किसी भी मछुआरे के इलाके को आज इतला नहीं किया गया। बैंड कमरे मई चारा कर कुछ अपने आप को मछुआरों का नेता कहने वालों ने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के साथ में मछुआरे के रिश्तेदारों को सर्वश्रेष्ठ मछुआरे या सर्वश्रेष्ठ व्यापारी या सर्वश्रेष्ठ किसान का सम्मान दिलवा दिया। ये एक अचंभित सी बात है, बिना किसी क्षेत्र के पुराने मछुआरे या पुराने मछली व्यापारियों के साथ मिलें, बिना कोई जानकारी के, बिना कैसे सहायक निदेशक दक्षिण अंडमान या संयुक्त निदेशक हेडक्वार्टर ने मुख्य सचिव के ध्यान के बिना अपने चाहने वालों को पुरस्कार दिला दिया। सूची के हिसाब से एक साख जो अपने आप को मछुआरे का नेता कहने वाले अपनी बहन के सांस को पुरस्कार दिलवा दिया। कब तक अंडमान के मछुआरों को या मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी को या अपने आप को मछुआरों का नेता कहने वाले गुमराह करते रहेंगे? बिना किसी की जानकारी के एनएफडीबी के सदस्य एएनडएन आइलैंड अपनी पार्टी के चाहने वालों को गुजरात जाने का प्रस्ताव रख दिया। या एक सहायक निदेशक दक्षिण अंडमान के अपने काम गुजर से मशहूर है, बुरे बोले नवाब है, सूत्र से जानिए। अपने चैम्बर को हमेशा बंद करके अपने स्टाफ के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर सकते हैं जब मत्स्य पालन निदेशक का चैम्बर हमेशा खुला रहता है? क्या ये अधिकारी अपने आप को मुख्य सचिव साहब से भी ऊपर मानते हैं? पहले भी सोशल मीडिया मई इनका कर गुजरी का कर्म आया है, ये खराब बोले असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरमैन को निम्न दर्जा का मानते हैं। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस के दिन आदिकांश जंगली घाट नामुनाघर प्रेमनगर या डुगनाबाद गुप्ता पारावंदूर के मछुआरे नाराज हैं इस सम्मान में ये सूची देखकर। क्या मत्स्य विभाग भाजपा का अड्डा बन गया है या फिर घुसखोरी का अड्डा बनता जा रहा है? कई बार मत्स्य पालन विभाग के आला अधिकारियों पर ऊपरी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है या मत्स्य पालन फेडरेशन इसका जीता जगाता है? क्या भाजपा के मत्स्य पालन नेता कहने वाले नेता मत्स्य पालन विभाग का सम्मान अपने चाहते को सारा सम्मान दिलाते रहेंगे? क्या सच्चे मछुआरे की कोई अहमियत नहीं है? क्या मत्स्य पालन विभाग भाजपा का हो गया है? जब कोई सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी को हर राजनीतिक दल या उनके नेताओं को एक समान देखना चाहिए। जो लोग को गुजरात का दौरा करने ले गए, क्या वो सही हो सकता है? इसका हकदार है ये मछुआरा जाना चाहता है? एएसएसटी निदेशक मत्स्य पालन दक्षिण अंडमान, संयुक्त निदेशक मत्स्य पालन मुख्यालय की मनमानी कब तक चलेगा? क्या इस सम्मान के लिए मत्स्य निदेशालय की तरफ से कोई आवेदन आमंत्रित किया गया है? गया मछुआरे या मछली व्यापारी के लिए जो नियम होता है, ऐसे तो बहुत पुराने मछुआरे महिलाएं और व्यापारी हैं जिन सही मैंने पुरस्कार मिलना चाहिए पुर नहीं मिल पाया, क्योंकि एनएफटीबी के सदस्य या मछुआरा संघ की मनमानी चलती ही मत्स्य पालन विभाग हो सकता है। कल तक जो लॉग यूट्यूब चैनल मई कर मत्स्य पालन निदेशक या सचिव मत्स्य पालन को बुरा भला केन वाले नेता को मत्स्य विभाग पुरस्के इशारे दे रहे ताकि मत्स्य पालन विभाग के खिलाफ आवाज ना उठे। ट्विटर या सोशल मीडिया, क्या आप अंडमान निकोबार के मछुआरों का हितैषी बताने वालों से अंडमान निकोबार के मछुआरों का सवाल पूछना चाहते हैं? मौसमानी मत्स्य पालन विभाग के निदेशक मत्स्य सचिव को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे बोगस नेताओं से जो आज तक किसी भी मछुआरे का भला नहीं कर सका। सारे बातों का इंटेलिजेंस से या सीआईडी से पूछताछ होनी चाहिए।
सहायक निदेशक, दक्षिण अंडमान या संयुक्त निदेशक, मत्स्य पालन के कारण पता नहीं और क्या क्या देखना पड़े हमारे मछुआरों को।